नालंदा विश्वविद्यालय जो पढ़ा उच्च शिक्षार मूलदुआ जहाँ को अनुसरण कर समग्र विश्व एटी चीन जापान कोरिया इंडोनेशिया और तुर्की भड़ी देशर छात्र माने अध्ययन करने आसते रही अनेक ऐतिहासिक इतिहास तेरे एटी आसंता तीन तारीख हेपाई जाऊँगी द्वितीय पर्याय निर्वाचन तेज आम जाना एठाकर भोटर मानक कौन रही मुड एवं क्यों प्रसंग को नहीं भोट देवाई जी क्या चीज बोले कहते हैं बताएंगे हम पूछेंगे पोर्टल हम पूछेंगे ना आपके दिमाग में वो आ ही जाएगा आपकी जुबान पर बात आ ही जाएगी आपका अनुभव कैमरा को देखिए तो बोलिएगा आपका नाम परिचय दीजिए हमारे नाम है सुमंगल माथा कुशवाहा जी अच्छा सर इस बार चुनाव होने वाले हैं और आपने तो कई बार आपने वोट दे चुका कई बार वोट दिए क्या मुद्दे लेकर आप जाते हैं वोट देने के लिए क्या उम्मीद रखते हैं देखिए इन साल तो हम तो देते आए हैं नीतीश कुमार के वोट और देंगे उन्हीं को समझिए ना मुद्दा क्या है आपके जब से नीतीश कुमार आए तो गांव में जवार में जिला जवार बिहार में शांति आया लूट झगड़ होता था उस टाइम में वो सब बंद हो गया रात बिहार के आना जाना में लूट हो जाता था तो वो सब अखने बहुत नई के बराबर है समझिए ना और विकास तो थोड़ा करवे कि इन रोड वगैरह बनता है तो विकास होता है शिक्षा स्वास्थ्य महिला जो बच्चियाँ पहले घर से बाहर नहीं निकलते हाँ अभी वो लोग पढ़ाई करने जाते हैं वो उसको कह सकते हैं हाँ नीतीश कुमार साइकिल उकिल दे करके लोबन दे करके पढ़ाई शुरू जब आइन थे तो साइकिल दिन थे कि बच्ची सबके पढ़े ला जहिए से बच्ची सब पढ़े लगा नहीं तो नहीं पढ़ता था नहीं ध्यान देता था तो विकास बिहार में हो रहा है हाँ तो आप उसी विकास के मुद्दे को लेकर आप लोग जाएंगे वोट देने के लिए हाँ वो तो है ये है देवे करेंगे हाँ। क्या चीज अच्छा आपका परिचय दीजिए हाँ हमारा नाम हुआ राजेंद्र यादव आपने तो कई बार आप वोट दे चुके हैं इस बार भी तीन तारीख को यहाँ पे मतदान है हाँ, तो आप जाएंगे आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे वोट देने के मुद्दा तो जखन ही ना समझा जाएगा उसी जगह ने कि हाँ किसको देना है अब नहीं देना है जे उसी जगह अब अगर समझिए 15 साल पहले बिहार कैसी थी अब बिहार कैसा है कैसे देख रहे हैं आप बिहार नहीं बिहार तो बढ़िया देख रहे हैं बढ़िया देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा जो काम है गड़बड़ा दिन शर्मन विधायक कि हम लोग के यहाँ कहे था कि 12-12 हज़ार रुपया पैखाना बनावे लगी मिलेगा और हम लोग को पैसा मिला नहीं आज तक उसको जाँचों पड़ताल नहीं हुआ कि हाँ किसको मिला किसको नहीं मिला कोई मतलब ही नहीं है तो इसलिए करके तो भाई अब उसी जगह ने मत देखा जाएगा कि हाँ किसको देना है किसको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगार हाँ सभी की बातें करते हैं राजनीतिक पार्टियाँ हाँ आपको क्या लगता है किस पे ज़्यादा भरोसा होता है जो वादे पूरे करते हैं और किन किन वादों को आप आधार करके वोट देने के लिए जाते हैं हाँ जो वादा करके जीबे कर देते तो कहबे कि इनकी भाई बिहार को हम इन्हीं बम्बे बना देंगे तो लेकिन जो भी काम हुआ सब अधूरे हो रहा है नदी में झील बना तो उससे हम लोग को कोई फायदे नहीं हुआ वह अभी कह रहे हैं कि गंगा के पानी ला देंगे और वह आवेगा कि नहीं आवेगा उसको भी कोई अभी ठिकाना नहीं और हम लोग के तो भाई क्षेत्र में जो रोड वाला जो काम खाली हुआ है उसके अलावा तो कोई काम नहीं हुआ जो भी काम हुआ है रोड वाला खाली काम विकास वाला हुआ और उसके बाद इसमें कोई काम हम लोग के यहाँ नहीं हुआ तो आने वाले सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं देखिए अब तो आवे वाला सरकार के तो भाई अब तो की करेंगे नहीं करेंगे ये तो भविष्य वाला बात कैसे बता दें फिर भविष्य में बता मेरे को बाधे में ना तो परिचय दीजिए मेरा नाम अनुपम राज है मैं दीपनगर का निवासी हूँ तो इस बार चुनाव में 3 तारीख को मतदान भी है हाँ तो आप युवा हैं जी क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले सरकार मुद्दे आपके सामने दिख रहे हैं देखिए सबसे बड़ी तो है कि युवा पीढ़ी के लिए सबसे पहला है रोजगार और शिक्षा
सबसे पहले तो बिहार में रोजगार और शिक्षा ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ लेता है लेकिन उसको अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता, और दूसरी बात है कि बिहार में अच्छा शिक्षा भी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो सरकार कोई भी आए, ठीक है, ऐसे युवा सरकार भी अभी लड़ाई लड़ रही है, तो सभी को चुनाव में एक बार मौका सभी को मिलना चाहिए। ऐसे सरकार से जो अभी है, जो नहीं किया बिहार के लिए, बिहार में इतना सारा घटना घटित होता है, जैसे नीतीश कुमार ही हैं, ठीक है, रोज़गार के लिए कुछ नहीं करते बिहार में। तो वैसे ही बिहार के युवा को यही उम्मीद है कि जो भी सरकार आए वो बिहार के जो युवा पीढ़ी के छात्र हैं उनके लिए रोज़गार और अच्छी शिक्षा का जरूर रोज़गार करें। प्रथम पर्याय निर्वाचन सरी आसंता 3 तारीख में द्वितीय पर्याय निर्वाचन हम, किंतु सबु राजनीतिक दल नजर रही युवा भोटर मान कहीं बिहार वर्तमान 2.5 कोटी ऊर्ध होती युवा भोटर जहाँ नजर समस्त रही तेणुक कौन रही बर्तमान युवक मान फोकस कौन रही जो प्रसंग को लेकिन थोड़े भोट देवाई जाए देवाई जीवे आम बर्तमान नालंदा जिले में अच्छू एटी किसी युवक अच्छा जो मैंने प्रिपेरेसन करो मैंने विभिन्न परीक्षा कंपिटेटिव एग्जाम देवाई कथ कहतु विभिन्न परीक्षा कंपिटेटिव एग्जाम देवाई से प्रिपेरेसन करती नवेदन उपस्थित रही आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना। भैया आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? हम तो पोस्ट ऑफिस जॉब करते हैं, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ जी। इस बार आप तो युवा हैं, इस बार आप वोट देने के लिए जाएंगे, मुद्दे क्या रहेंगे आपके सामने? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन रूप से तो जो युवा के लिए मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी में ही बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि आजकल के जो युवा हैं सब बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन सरकार को चुनना चाहिए। आप भैया आप क्या करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सर। क्या उम्मीद रखते हैं आप युवा हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादे भी किए हैं, कोई 10 लाख नौकरी देने की बातें कर रहे हैं, कोई 19 लाख नौकरी देने की बातें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि अगर कोई जो युवा हर महीने जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1500 रुपये देंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से या किसी राजनीतिक पार्टी से, आपके सामने मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं वैसा वादा तो कुछ भी नहीं रहता, बस इलेक्शन का वादा है, इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाएगा, बस जैसा है बस शांति माहौल चाहिए जो जैसा बना हुआ है अगले 15 सालों से ऐसा ही आगे चलते रहे, बाकी वादे तो नौकरी कहाँ से देगा, वैसा कुछ बिहार में वैसा चीज़ रहेगा तब ना नौकरी देगा, वैसा तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से नौकरी मिलेगा? बिहार के युवा क्या चाहते हैं बिहार में? युवा तो चाहते हैं अपना रोजगार, अभी सभी युवा बेरोजगार हैं तो सभी युवा का तो एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार का कोई एक रोजगार मिल जाए। कैसा किस तरीके का रोजगार आप चाहते हैं, किस तरीके का माहौल आप देखना चाहते हैं बिहार में? तो बिहार जो रही युवक मान विभिन्न प्रतिक्रिया रही है, आम प्रतिक्रिया नहीं बुझुल कि कौन सब रही है, और कि भैया आप क्या करते हैं? हम तो ऐसे टीचिंग का काम करते हैं, कोचिंग चलाते हैं जी। और बिहार में मतलब क्या पूछना चाहते हैं? तो भैया आप क्योंकि चुनाव इस बार होंगे तो मुद्दे कई सारे हैं, तो युवाओं के लिए क्योंकि आप एक युवा हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कोचिंग भी देते हैं, तो क्या रहते हैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाली सरकार से, और किस मुद्दे को लेकर वोट देने जाते हैं आप? बिहार में तो अनेकों मुद्दाए हैं लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा भी वर्तमान में बिहार में बेरोजगारी है, और शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए ना वर्तमान सरकार देख रही है ना पिछले यानी 30 सालों से जो भी कर रही उनको कोई भी शिक्षा से ध्यान नहीं दिए। स्कूल तो नीतीश कुमार जी बनवाए बहुत लेकिन वहाँ शिक्षकों का व्यवस्था जो है उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया, इसलिए बच्चे आजकल कोचिंग और प्राइवेट संस्थान पर ही डिपेंडेंट है, और कि कोई भी वैकेंसी चलता है 20 से 2 हज़ार 5 हज़ार तो उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं और नौकरी नहीं मिल पाता, जहाँ तक कि जैसे तैसे घूस दे के लोग नौकरी ले लेते हैं और पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, और हर क्षेत्र में घूस पड़ गया है कि कोई भी क्षेत्र हो यानी कि ब्लॉक हो मुखिया का कोई भी यानी बिना घूस काम होता है, हर क्षेत्र में घूस चलता है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है, और हम लोग तो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि ये शुरुआत में 5 साल नीति 10 साल से यानी कि जो व्यवस्था बदतर हो गई है, दार शराब बंद है तो बंद नहीं है, सब जगह बिक रहा है, घर घर में दारू बिक रहा है, सब तरह इतना माफिया पल रहे हैं कि यानी कि हर क्षेत्र में जहां गुंडा नहीं था गुंडा भर रहा है, यानी अच्छा लोग सही लोग भी रास्ते अपनाने लगे हैं धीरे धीरे, ऐसा स्थिति बिहार में आ गया है। जो है
बदलाव आना चाहिए। युवा स्वर रही परिवर्तन स्वर रही रोजगार रही प्रथम मुद्दा एवं रोजगार सृष्टि करते भैया आप एक युवा हैं आप क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले सरकार से किस मुद्दे को लेकर आप वोट देने के लिए जाते हैं? किसी से कोई उम्मीद नहीं सब जो भी आएगा सब वैसा ही है जैसा ही है। तो फिर भी आप क्योंकि कुछ बोलते हैं हम 10 लाख रोजगार देंगे कोई बोलता है 19 लाख देंगे कोई बेरोजगार युवा को 1500 देंगे सब फेंकता है मतलब कि ऊपर से नीचे तक सब फेंकने वाले हैं बस और कोई कुछ करने वाले किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो एठाकर युवक मानक नु तो विभिन्न मुद्दा प्रसंग आम सहित टीचर अच्छे शिक्षक जो पिला कोचिंग दूसरे शिक्षक यहाँ बच्चे तो क्या उम्मीद रखते हैं और बच्चों को कैसे बताते हैं कि बिहार की जो स्थिति है क्या चाहते हैं यहाँ के युवा और किस तरह से रोजगार यहाँ पे होना चाहिए कैसे युवा रोजगार मिले क्या राय इसके लिए? देश में शिक्षा सर्वोपरि होती है। शिक्षा यदि सुदृढ़ होती है तभी उस देश का सम्यक विकास होता है और वर्तमान जो सरकार है इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। शिक्षा नाम की कुछ चीज़ ही नहीं रह गई है। इसलिए हम परिवर्तन के मूड में हैं। यदि सर्वती है युवा सरकार गठन होता है तो निश्चित रूप से कुछ नया सोच उनका होगा कुछ परिवर्तन जरूर लाएंगे हर क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा हम लोग को ऐसा उम्मीद है। इसलिए इस सरकार से ज़्यादा की है प्रारंभिक जो चरण था सबसे पहला चरण उसमें इनका काम बेहतर रहा बस उसी के आधार पर ये सरकार चल रही है और जो अंतिम दो चरण है उसमें कोई काम हो नहीं पाया। बेरोजगारों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं। प्रतिक्रिया मध्य सत्तार परिवर्तन रोजगार कथा कहतु विभिन्न प्रसंगों को वर्तमान ठेकार बासिंदा मैंने रखुच्च नालंदार जो रही भोटर मैंने युव भोटर मैंने शिक्षक मैंने विभिन्न प्रसंग पर आलोचना करते रोजगार को से प्रथम मुद्दा करते शिक्षा को से द्वितीय मुद्दा करते तो रोजगार ही शिक्षा ये दुटा प्रसंग को लेकिन भोट देवाई जी नालंदारू टूर्णा मंडल इमरान खान और गस्ती।